बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग वाले कपड़े जो है ना वो शेयर करती हूँ। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो जी थोड़ी सी अगर आवाजें वगैरह आए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं लॉन ड्रेसेस वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा कोई एक पेज मिला जिसके अंदर, जिसका नाम था हफ्सा कलेक्शन, हफ्सा कलेक्शन। तो जी इनके पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे तो मैं तो भाई पागल हो गई। जैसे कि बस मैंने कहा ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, क्योंकि रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे और इतनी अच्छे तरीके से मिल रहे थे। तो मैंने जो जो सिलेक्ट करे वो फिर मैंने, और वो इतनी जल्दी आ गई, यानी मैंने आज सेलेक्ट करे और एक दिन बाद ही मुझे ये रिसीव हो गए। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं सबसे पहले शेयर कर रही हूँ ड्रेस, ये मारिया बी का है लेकिन है रेप्लिका, और ये है हफ्सा कलेक्शन का कार्ड। और ये सूट मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये सूट इसलिए दिखा रही हूँ, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, इसका वाउचर ये है। और इसके साथ साथ मैं प्राइस भी आपको बता मेंशन करती जाऊंगी। ये 2000 का आपको मिलेगा। एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है ये, देखें सबसे पहले इसका दुपट्टा चेक करें, कितना प्यारा कोई शेफून में दुपट्टा है और इतना सॉफ्ट स्टफ है, रोकना इसका, इतना मक्खन मलाई सा दुपट्टा हो रहा है ना, ये मैं क्या बताऊं कितना प्यारा हो रहा है। अभी मैं पहनूंगी, जब इसको स्टिच करवाऊंगी तो इसकी डिजाइनिंग भी दिखाऊंगी। और ये इसकी जो है शलवार का कपड़ा है, इसकी मैचिंग में कंट्रास्ट में। और ये इसकी ट्राउजर पट्टी है, या आप दामन पट्टी भी बना सकते हैं इसको साथ साथ। और ये है इसकी शर्ट, अभी दिखाती हूँ बेटा। और ये है इसकी शर्ट जो बहुत ही प्यारी सी है, देखें आप प्रिंट देखें कितना कोई अच्छा प्रिंट है। ये इसकी नेक है, ये इसका दामन है, फुल एम्ब्रॉयडरी है और ये बना हुआ कितना प्यारा, कितना हसीन है, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी मैं स्टिच करवाऊंगी और इसका डिजाइन मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। चलें जी अब नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ, मैंने जो पसंद किया और ये मुझे फौरन से पसंद आ गया, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कलर्स कलेक्शन थे उनके पास। अगर आप लोग चाहें तो दूसरा कलर ले सकते हैं, इसमें ब्लू कलर है, दूसरे और कलर है, ये पीच कलर मैंने मंगवाया है। और ये जो है ना, वैसे मैंने दूसरे साइट्स पे देखा था, ये मुझे मिल रहा था 2000 का, लेकिन सॉरी 2.5 का मिल रहा था जो मैंने दूसरे साइट्स पे देखा, लेकिन जब मैंने हफ्सा कलेक्शन पे देखा तो ये 2000 का मुझे आराम से मिल गया। और ये देखें कितना प्यारा इसका स्टफ, क्योंकि आजकल लॉन है, गर्मियां आ रही है तो लॉन कलेक्शन में ही होगा। और इसका स्टफ इतना प्यारा, इतना अच्छा है, नरम नरम सा। और ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी है नेक पे, इसके दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, ये देख रहे हैं आप, कुर्ती स्टाइल से लेगा ये। और ये इसका दुपट्टा है, पहले चलते थे ना बेटा, रुकिए पहले चलते थे ना टाई एंड डाई के कपड़े, ये सेम वो ही कपड़ा है। और ये इसकी सलवार, और देखिए इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कितना अच्छा ड्रेस है ये, जो भी पहनेगा ना वो निखर जाएगा, कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये हो गया एक और ड्रेस, मैंने इकट्ठे सारे मंगवा लिए कि आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। ये इनके कार्ड इसके साथ साथ मैं रख रही हूँ। अच्छा जी अब ये मैं बना दिखा रही हूँ आपको, ये टू पीस ड्रेस है मेरा जी। और इसकी तो कीमत आप नहीं पूछे, इतना सस्ता मिला है ये, बहुत नहीं थ्री पीस ये, सॉरी ये इसकी, जैसे लोन में हमें घर में पहनने के लिए चाहिए होता है ना, तो ये उस हिसाब से है। ये सलवार है, ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी शर्ट है जो बहुत प्यारी प्रिंट हुई हुई है, ये देखें। और कपड़ा बहुत अच्छा है, सबसे मेन यही बात होती है कि अगर आपको कपड़ा अच्छा मिल जाए ना तो बस आप समझ लें आपकी गर्मियां अच्छी गुजर जाती हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स को जो है ना किचन में भी काम करना होता है, वैसे भी काम करना होता है गर्मी में पसीने में, तो ये कि बहुत अच्छा लगेगा। और ये थ्री पीस सूट है, और ये थ्री पीस की आपको मैं प्राइस बताऊं, ये है, ये मुझे मिला है कितने का मिला, हाँ ये मिला है 1650 का, जस्ट थ्री पीस सूट। आप इमेजिन कर सकते हैं आज के दौर में भी 1650 की कुछ चीज मिलती है, 1650 का ये थ्री पीस सूट बहुत अच्छी स्टफ में मिल रहा है। अच्छा एक ये सूट है, ये भी थ्री पीस सूट है और ये भी सेम प्राइस में मुझे मिला है हफ्सा कलेक्शन से, आप लोग भी जरूर जाइएगा इन पे विजिट कीजिएगा। अच्छा ये कलर देखें कितना प्यारा है, खूबसूरत कलर लग रहा है, बोटल ग्रीन कलर है। और ये दुपट्टा और शर्ट, ये शर्ट है आई थिंक, ये शर्ट है, ये शर्ट है, प्रिंट देखें आप कितना अच्छा लग रहा है इसका, और कलर्स इतने अच्छे हैं इसके ऊपर, और इसके भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये देखें ये फ्रंट है, वो बैक था जी, तो ये मैं इधर ऐसे डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। और ये इसकी शलवार है प्लेन, डिजाइनिंग बनवाएं आप इसके ऊपर कुछ भी करें बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसका
दुपट्टा है जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है, जो कि कलरफुल नहीं होते, मतलब अजरक टाइप के, इस टाइप के, देखें कितना अच्छा लग रहा है, दुपट्टा भी प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीनिश। तो ये है अच्छा सा सूट और इसकी भी प्राइस सिर्फ 1650 है, कोई ज्यादा नहीं, कुछ यानी 3000-2000 का भी नहीं, बल्कि 1650 और फ्री डिलीवरी के साथ। और एक ड्रेस और है जो कि मैं कह रही थी टू पीस है, तो ये है टू पीस, ये है टू पीस, ये देखिए बुनैनजा का प्रिंट है और ये भी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, ये भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसकी भी प्राइस जो है ना, अच्छा ये टू पीस है तो इसकी प्राइस और भी कम है, क्योंकि इसके साथ सलवार नहीं है लेकिन एम्ब्रॉयडरी है। तो जी इसकी प्राइस सोचें कितनी होगी, इसकी प्राइस देखें, फुल शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसकी प्राइस है ओनली 1500, ओनली 1500 का है ये, हफ्सा कलेक्शन पे आप जाएं, इस पे विजिट करें और आप लोग भी जरूर परचेज करें इनसे, ये देखिए। और ये इसका है प्यारा सा दुपट्टा, अच्छा दुपट्टों के कपड़े इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, इतने हल्के हल्के हैं, जो गर्मियों में आप आराम से ले सकती हैं किचन में, अगर आप नमाज की तरह भी आपने फोल्ड किया हुआ है ना दुपट्टे को, तो ये नहीं होगा कि आपको गर्मी लग रही होगी और इस तरीके से नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो है ना इसका स्टफ लगेगा। तो ये है सारे ड्रेसेस जी बेटा। अच्छा हसन की भी बुक देख रहे हैं आप, हसन ने पूरी कलरिंग कर ली है ये अवेंजर्स की बुक को, ये पूरी अवेंजर्स की बुक को असल में कलर कर लिया। अच्छा जी, तो इसका लिंक, क्योंकि जो भी अच्छी बुरी चीज होती है ना हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी अप डाउन, जो भी अच्छी चीज होती है हम आपके साथ अच्छे से शेयर करते हैं, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और इनके चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है और दूसरी भी कलेक्शन है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तो जी ये सब हो गए और मैंने ये स्टिच करवा के आपको डिजाइनिंग दे रही है, तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा और ये वीडियो आप लोग बताइएगा कि ये ड्रेसेस आपको क्या। तो जी आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी, और सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना अपने व्यूवर्स को आज सिंधी बिरयानी भी दिखाई जाए कि मैं सिंधी बिरयानी किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे ये बिल्कुल वही मेथड है जो कि अम्मी बनाती हैं, तो मैंने पहले प्याज वगैरह जो है फ्राई करके उसके अंदर टमाटर वगैरह ऐड कर लिए थे, दही शामिल कर दिया था, आलू कट के डाल दिए थे और चिकन शामिल कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने कहा कि चलो चावल भी बॉयल करने रख देती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी काम नहीं पड़ जाएगा। अच्छा है तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने चिकन और आलू को गलने रख दिया है और पानी को बॉयल करने के लिए, सॉरी चावल को बॉयल करने के लिए पानी मैंने बॉयल करने रख दिया है। चावल बॉयल करने से पहले आप जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता ना, जब तक आप उसमें चावल ना डालें क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। और अब हम चेक कर लेंगे कि आलू गले या नहीं, तो आलू में थोड़ी सी कसर थी और यहाँ मैंने चावल इसमें डाल दिए थे पानी में और नमक ऐड कर दिया था थोड़ा सा। और यहाँ मैं साथ साथ बना रही थी रायता, जो कि मुझे ये सादा रायता बहुत अच्छा लगता है, एक ग्रीन रायता और एक ये सादा रायता, ये दोनों रायते मेरे फेवरेट हैं। इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया है, सॉल्ट चाहें तो आप डालें नहीं तो आप ना भी डालें, दही का असल टेस्ट रहने दें तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा कि चलो किचन भी साथ साथ जो है ना क्लियर करते चले जाएं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किचन में बखेरा हो रहा हो, बर्तन पड़े हों और खाना भी बन रहा हो। तो जब तक चावल और आलू गल रहे थे तो मैंने कहा कि क्यों ना बर्तन साथ साथ वॉश कर लें, और यहाँ थोड़ा आटे का तसला वगैरह था, बर्तन वगैरह थे, थोड़ा पराठा वगैरह मैंने बनाया था हसन का, तो हसन का नहीं सॉरी तहसिन का नहीं सॉरी इसके बाबा का मैंने बनाया था, तहसिन तो खैर डाइट पर है, तहसिन ने सिर्फ वो खाया था अंडा। तो जी ये चीज़ें मैं बना रही थी और यहाँ जो है मैं किचन को समेट रही थी। तो जी आप लोगों की भी इतनी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भाभी हुसैन इतने ज़्यादा वीक क्यों हो रहे हैं और हुसैन कितने माह के हो गए, तो मैं बताऊँ आपको कि हुसैन माशाल्लाह से 10 माह के हो चुके हैं। और हुसैन इतने वीक इसलिए हो रहे हैं कि जब से उनको मीज़ल्स हुई थी ना, उनको 6 मंथ में मीज़ल्स हो गई थी, तो उसके बाद से उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं बनी। मैं कई दफ़ा डॉक्टर को चेक करा चुकी हूँ और वैसे भी उसकी डाइट पे बड़ा ख्याल करती हूँ, लेकिन जो है उसकी जो है ना हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हुई। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि अभी कुछ टाइम लगेगा इनको हेल्थ बनाने में, क्योंकि जिन बच्चों को मीज़ल्स हो जाती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं इंटरनली, और उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हो पाती जब तक वो थोड़े ग्रो नहीं हो जाते। तो जब ये थोड़ा बड़ा होगा ना तो जब तक सही हो जाएगा, और माशाल्लाह वैसे ये पूरा एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, और जो है कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह सब कुछ सेट है, बस उसको नज़ला रहता है, उसके सीने में थोड़ा सा जो है ना ठंड है। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि उसका बस पानी से ख्याल करें तो ये कि इंशाल्लाह उसका सही रहेगा। तो उसका ये होता है कि अक्सर नज़ला हो जाता है, फिर दोबारा सही हो जाता है, फिर हो जाता है, तो इस तरीके से रहता है उसको जो है ना। तो जी बस आप लोग भी बताइएगा अगर नज़ले का किसी के पास टोटका हो तो। और यहाँ देखिए कि यहाँ चावल जो है ना बॉयल हो गए हैं, तो मैं इनको छान रही हूँ क्योंकि चावलों का जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो हटा दें,
वो वैसे भी गंदा पानी हो जाता है, मतलब उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ चावल जो है ना काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं जब आप पान चावल उबाल लेते हैं ना। अच्छा, मेरे घर पे भगरे हुए चावल बनते हैं और यहाँ उबाले हुए चावल मैंने सुना है ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा जो भी पानी पीच वगैरह चावल का होता है वो सब निकल जाता है अनहेल्दी, और जो भी चावल है ना वो बहुत अच्छे साफ़ सुथरे निखर जाते हैं। तो जी यहाँ देखिए, अब मैं ये जो है ना वो भून रही हूँ आलू और चिकन वगैरह को, ये जो ग्रेवी मैंने बनाई है सिंधी बिरयानी बिरयानी के लिए, तो ये जो है ना मैं भून रही हूँ। और यहाँ चावल भी बॉयल हो गए हैं, तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और चावलों की लेयर जो है ना वो एक अलग से भगोने में लगाऊँगी, क्योंकि साफ़ सुथरे भगोने में लगाऊँगी और वो भगोने में वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ देखिए, ये बिल्कुल मैं तरीके से बिल्कुल पहले लेयर बिछा रही हूँ चावलों की। बहुत एहतियात के साथ डालना है कि चावल टूटे नहीं, क्योंकि चावलों में थोड़ी सी एक कसर छोड़ देते हैं कि वो दम पे आ जाएंगे। क्योंकि जब सिंधी बिरयानी हम बनाते हैं या बम्बई बिरयानी या ते वाली बिरयानी हम बनाते हैं ना, तो उनमें चावलों में एक कसर छोड़ देते हैं। तो जी यहाँ जो है ना आप देखें, मैं इस तरीके से लेयर लगा रही हूँ आलू चिकन की, और इसमें मैंने काफ़ी सारा पुदीना और हरा धनिया भी डाला था, जिसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है सिंधी बिरयानी में। अच्छा, अफराद भी कम थे हम लोग, तो जो है हम मैंने इतना ज़्यादा बनाया नहीं था, और ये था। और बच्चे जो हैं वो ऊपर खेल रहे थे इस वक्त, तो जी यहाँ मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ मैंने दो लेयर्स लगाई हैं चावलों की, एक नीचे लगाई और एक ऊपर सालन लगाया, फिर उसके बाद दोबारा चावल डाले। और अब मैं इसके बाद इसमें टमाटर, टोमेटोज़ और जो है कलर और फ्राई हुई हुई प्याज जो होती है वो लगाऊँगी। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको डेकोरेट, खूबसूरत लगेगा तो अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना जो आंखों को भाता है वो हाथों को भाता है। तो जी यही वाली मिसाल थी। और अब देखिए, यहाँ मैंने टमाटो को ना एक फ्लावर की तरह बना दिया था, और साथ साथ मैं डाल रही हूँ पुदीना। पुदीने की खुशबू वाकई मुझे बहुत पसंद है और साथ साथ इस बिरयानी में अच्छी भी लगती है, अलग ही जब धुएँ निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि घर में क्या बना है ज़बरदस्त। आप भी लगाइएगा तो आप भी पुदीना और हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। और यहाँ देखिए, मैंने यहाँ फ्राई हुई हुई प्याज जो है वो भी साइडों में डाली है, ताकि उससे अच्छा सा टेक्स्चर आता है, टेस्ट अच्छा आता है। और फ्राई प्याज जो है वैसे भी बिरयानी वगैरह में काफ़ी अच्छी लगती है। तो जी ये देखिए, यहाँ ये कर दिया है रेडी। थोड़ा सा मैंने इस पे जर्दे का रंग डाला है, फूड कलर जो होता है येलो कलर का वो डाला है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह, ये अब रेडी हो चुकी है। अब बस मैं इसको दम लगाऊंगी और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी खाना बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चों को खाना भी खिलाना है। सारे काम दिमाग में चल रहे होते हैं कि हमें वो भी खिलाना है, उनके लिए भी क्या बनाना है। तो जी यहाँ अब मैंने हसन के लिए बर्गर वगैरह बनाना है और यहाँ दम लगा दिया है। तो यहाँ मैंने देखे सैंडविच बनाया है सॉरी हसन के लिए, और मैं इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ हैप्पी फेस वगैरह कुछ भी ऐसा ज़रूर जो है ना कैरेक्टर देती हूँ, जिससे हसन जो है ना वो इम्प्रेस होके खाने में इंटरेस्ट देते हैं, वरना वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। और यहाँ हुसैन को भी मैं खाना खिला रही हूँ अपने साथ साथ। और यहाँ देखिए, हुसैन को गंजू करवा दिया है हमने, क्योंकि उसके बीमारी के बाल थे। और अच्छा जी, तो सूट आप लोगों ने देखे, और अब हम देखते हैं कि चावलों का क्या आलम है। ये दम लगा दिए थे लेकिन लाइट चली गई थी और गैस भी चली गई थी, तो अब ठंडे हो गए होंगे, तो अब हम ओवन कर लेंगे, क्योंकि गैस तो इस टाइम पे नहीं आती। तो जी अभी इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और हसन और हुसैन माशाल्लाह यहाँ खेल रहे हैं। हुसैन को हमने गंजा इसलिए करवाया क्योंकि इसके थे बीमारी के बाल, जब मीज़ल्स हुए थे उसके बाद सर्दियाँ थी, तो मैंने इसके बाल नहीं कटवाए थे सर्दियों में, इसको गंजा नहीं करवाया था। लेकिन यही कहते हैं कि जब बच्चे को बीमारी कुछ हो, जैसे कि टाइफाइड वगैरह, अल्लाह ना करे कुछ भी इस तरह का मीज़ल्स वगैरह कुछ भी हो, तो उनके बाल उतरवा दो। तो जी हमने हुसैन को गंजा करवा दिया, क्योंकि थोड़ा मौसम अभी गर्मी की तरफ आया है, तो अब ये कि बाल आ जाएंगे इंशाल्लाह ईद तक थोड़े बहुत उसके, तो इसलिए अभी हमने उसको गंजा करवा दिया। और यहाँ देखिए, अब मैं चावल निकालने जा रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। गरम गरम धुएँ निकल रहे थे जबकि गैस जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने इज्जत रख ली, खैर एकदम लग गया। और अब हम खाना खाएंगे, तो आप लोग बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। हफ्सा कलेक्शन पे जाके ज़रूर सर्च कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।